8 कॉलम का लेख लिखा प्रधानमंत्री के बहुत करीबी विवेक दुबराय ने कि भारत का संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। यह इस देश के बहुजनों के लिए एक संकेत है, इस देश का संविधान खतरे में है। जो संविधान के खिलाफ बात करे देशद्रोही है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का, कि काहे डरेंगे भाई, इनका तो बाप ही बैठा हुआ है वहां संविधान बर्बाद करने के लिए। न्यायपालिका पता नहीं कौन किनके लिए न्यायपालिका है, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए तो अन्यायपालिका है। सर 5 नवंबर को आप संविधान बचाओ महारैली कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? पिछले 15 अगस्त जिस दिन हम लोग इस देश में आजादी की वर्षगांठ मना रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार, इस सरकार के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस महापुरुष का नाम है विवेक दुबराय, जिसको पागल खाने में भेजना चाहिए, उसने द मिंट में लेख लिखा कि इस देश का संविधान पुराना है, बदल देना चाहिए। और बकायदे 8 कॉलम का लेख लिखा प्रधानमंत्री के बहुत करीबी विवेक दुबराय ने कि भारत का संविधान पुराना हो गया है, बदल देना चाहिए। जब उन्होंने कहा तो उनके इस लेख को हम लोगों ने संकेत माना, यह आदमी चेक कर रहा है, यह सरकार चेक कर रही है। ऐसा कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री का प्रमुख आर्थिक सलाहकार लेख लिखे और प्रधानमंत्री को पता ना हो? तो इसका मतलब है यह इस देश के बहुजनों के लिए एक संकेत है, इस देश का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर जिस संविधान को बचाया, जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, इतने अपमान सहे, उस संविधान को बदलने की तैयारी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस देश का बहुजन संविधान बचाने के लिए चुप नहीं बैठेगा, कि हम संविधान को बर्बाद होते देख लेंगे, यह नहीं होगा। और हम लोगों ने तय किया कि आने वाले 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे। हम आने वाले 5 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम रैली करने जा रहे हैं, महारैली करने जा रहे हैं, संविधान बचाओ महारैली, जिसमें हमने देश भर के हजारों बहुजन संगठनों से हमने व्यक्तिगत तौर पर फोन करके, चिट्ठी करके, ईमेल करके, चैनलों के माध्यम से हमने लोगों से अपील की है, यह संविधान बचाने का समय है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। 2024 के चुनाव में अगर फिर से मनुवादी लोग सत्ता में आ जाते हैं, इस देश का संविधान तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हम लोग 5 नवंबर 2023 के लिए आज आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं, इस देश के तमाम बहुजनों से, आप चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हों, आप कोई भी संस्था चलाते हों, लेकिन संविधान बचाने की जिम्मेदारी जितनी ओम सुधा की है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आइए सब मिलकर संविधान बचाइए, नहीं तो कल आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो संविधान बचाने की यह रैली है, इस देश के जो 90% बहुजन है उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम लोग इसलिए यह रैली कर रहे हैं। सर एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार की से सवाल अगर कोई करता है, अगर आलोचना करता है, तो उसे देशद्रोही माना जाता है। दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ एक विवेक देवराय ने इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेता बोल चुके हैं, तो उनको क्या देशद्रोही की संज्ञा में नहीं माना जाना चाहिए? और दूसरी बात कि आप लोग क्या उनके खिलाफ कोई कोर्ट में कार्रवाई की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं? नहीं, देशद्रोही ही है जो संविधान के खिलाफ बात करे देशद्रोही है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे बिहार में कहावत है, जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का, कि काहे डरेंगे भाई, इनका तो बाप ही बैठा हुआ है वहां संविधान बर्बाद करने के लिए। और समझिए कि इनको संविधान से दिक्कत क्या है। संविधान से दिक्कत यह है कि इस देश में संविधान लागू हो गया तो जिनको नीची जाति का कहा जाता था, जिनको छोटी जाति का कहा जाता था, जो इनके सामने खड़ा तनकर नहीं होता था, आज उनके सामने सीना तान कर खड़ा होता है, उनके आंख से आंख मिलाता है। इस बात से दिक्कत है, इसलिए वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इस बात से दिक्कत है कि संविधान ही वह किताब है जिसने जानवर से इंसान का दर्जा दिलाने का काम किया है, इसलिए वो संविधान को बदलना चाहता है। लेकिन इस देश का एक एक अंबेडकरवादी संविधान बचाने के लिए अपनी जान लुटा देगा। 5 नवंबर 2023 का दिन
इस देश के बहुजन आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कार्यक्रम लगातार जारी है, अधिक से अधिक लोगों को जुटाया जा रहा है। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ और पूरे देश में हमारी जितनी यूनिटें हैं 22-23 राज्यों में, पूरे देश में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है कि 5 नवंबर 2023 को दिल्ली को घेरना पड़ेगा। सर, ये कहा जाता है कि संविधान की जो रक्षा की जिम्मेदारी है लागू करने की, वो न्यायपालिका की है, तो इस तरह के जो बयानबाजी होती है उनमें न्यायपालिका की भूमिका कैसे देखते हैं आप? न्यायपालिका, पता नहीं कौन किनके लिए न्यायपालिका है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए तो अन्यायपालिका है, और स्पष्ट कहें तो जनेऊ पालिका है, और स्पष्ट कहें तो ब्राह्मण पालिका है। जिस जगह एक ही जाति का 90-95% लोग बैठा हुआ हो, वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंबई के पंचायती राज अधिवेशन में बोल रहे थे, तो बाबा साहब ने पूछा सभा में, इस सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई ब्राह्मण हो और अपराधी भी ब्राह्मण हो तो अब ब्राह्मण जज न्याय करेगा? ब्राह्मणों का न्याय चरित्र ही नहीं होता। पूरे सभा में चुप्पी छा गई थी। तो न्यायपालिका तो हमारे लिए है ही नहीं, उससे क्या उम्मीद करें? और आज तक का इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास है कि न्यायपालिका राजसत्ता के इशारे पर काम करती है, और राजसत्ता आज की तारीख में मनुवाद को बचाने का काम कर रही है। इसलिए राजसत्ता और न्यायपालिका दोनों ही मनुवादियों की पोषक है। राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है। जो न्यायपालिका अपने कैंपस से मनु की मूर्ति ना हटा सके, उससे इस देश का SC ST OBC क्या उम्मीद करेगा? लेकिन दिल्ली में तो संविधान की कॉपी जलाई गई थी 2018 में। जलाई जाएगी, ये इनका राज है, ये संविधान जलाएंगे, और हम जैसे संविधान बचाने वाले लोग भी हैं, कि हम संविधान को बर्बाद ना हो इसके लिए भी हम जान लुटाने वाले लोग भी हैं। इस देश में करोड़ों अंबेडकरवादी संविधान बचाने के लिए, जान लुटाने के लिए तैयार हैं। संगोल स्थापित हो गया संसद में, तो मनुवादियों आज की तारीख में राजसत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं? संगोल स्थापित करने वाले लोग बैठे हुए, राजतंत्र बनाने वाले, राजतंत्र वाले लोग बैठे हुए, ये लोग सत्ता में हैं, ये संगोली स्थापित कर रहे हैं। चीज का देखिए, प्रस्तावना में 2 शब्द हटा दिए गए, कहां विपक्ष ने विरोध किया? नहीं, विपक्ष जो है, विपक्ष की बात जाने, हम सामाजिक आंदोलन के लोग हैं, हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम तो विरोध कर रहे हैं। विरोध तो दोनों का होना चाहिए। नहीं, तो हम सहमति लगती है, ऐसा लगता है दोनों की। नहीं नहीं, अब उनका वो जाने, लेकिन जो भी संविधान के खिलाफ है हम उनके खिलाफ है, इतनी छोटी सी बात है। और संविधान बचाने के लिए जो 5 नवंबर 2023 की रैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सामाजिक संगठनों अंबेडकरवादियों से अपील करता हूं, आप आइए। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 8789325595। इस नंबर पे संपर्क करके आप भी संविधान बचाओ महारैली का हिस्सा बन सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।